तो भाई लोग टिकटॉक पर एक और न्यू ट्रांजेक्शन वीडियो आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हो ये गाने पे, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गंवारा नहीं, इस गाने पे ट्रांजेक्शन वीडियो जो कि मैंने एडिट करके बना दिए। तो अभी मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ कि आप ये वीडियो कैसे एडिट करते हो, कि आप वीडियो को मिस मत करना भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस वीडियो में कैसे एडिटिंग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना काइनमैश एप्लीकेशन ओपन करके आपको ये वाला फ्रेम चूज़ करना है 9.16 वाला, और ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद सीधा हम आ जाएंगे काइन मास्टर के अंदर, और यहाँ पे हमको दिख रहा है मीडिया का ऑप्शन, हम इस पर करेंगे क्लिक। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वीडियो ऐड कर लेना है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो, ये वाला वीडियो डाउनलोड कर लो जो कि मैंने टिकटॉक से डाउनलोड करा है विदाउट वाटरमार्क। वैसे मैंने इसका वाटरमार्क हटा दिए जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब हमको इस बंदे की वीडियो को हटाना है, ये बंदे का रियल वीडियो मतलब, इसको हटाना है और अपना वीडियो यहाँ पे लगा देना है, बस बात खत्म, बन गया हमारा ट्रांजेक्शन वीडियो। तो हम यहाँ पे इस पोजीशन पर आएंगे जहाँ से ये बंदे का वीडियो आना स्टार्ट होता है जैसा कि आप देख रहे हो। सबसे पहले इसका आईडियो हम निकाल लेते हैं, स्ट्राइक आईडियो करके नीचे जाके ऑप्शंस में आईडियो अलग कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। आईडियो अलग करने के बाद अब हम उस पोजीशन पर आएंगे जहां से वो बंदे का वीडियो आता है, उसके जस्ट एक सेकंड पहले हमको आना है। तो यहां से ये बंदे का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जस्ट मतलब एक सेकेंड से भी कम, हल्का सा मतलब थोड़े टाइम से पहले जैसे ही आने वाला होता है, इस पोजीशन पर आके हम लेयर पर क्लिक करेंगे और जाएंगे सीधा मीडिया के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको अपने वीडियो का दो क्लिप ऐड कर लेना है, जो कि मतलब कोई भी पुराना वीडियो आपने बनाया होगा उसमें से दो क्लिप आपको ले लेना है। मैंने पुराने वीडियो से ले लिए जैसा कि आप देख रहे हो, पहले मैं भी रोने धोने वाला वीडियो बहुत सारे बनाता था यार, मतलब टिकटॉक पर और वीगो वीडियो पर बनाता था, तो पुराने क्लिप थे मैंने ले लिए जैसा कि आप देख रहे हो। सबसे पहले मैं इसका कैपेसिटी अल्फा कैपेसिटी पर जाकर कैपेसिटी घटा देता हूँ, 50% कर देना है, ताकि मतलब ऐसा आपको पीछे वाला बैकग्राउंड दिखे, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बंदे का वीडियो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहीं तक हमको अपना वीडियो रखना है। तो ये बंदे का वीडियो ख़त्म हो रहा है यहाँ से गिटार वाला वीडियो आ रहा है, तो यहीं से हम वीडियो को अपना थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बस बात ख़त्म, हो गया ऑल सेट। अब इस कैपेसिटी को हम फुल कर देंगे, हो गया फुल, एक ही सेकेंड का आपको वीडियो लेना है, कोई भी पुरानी क्लिप ले लेना है यार। तो यहाँ पर अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपके पास पुरानी क्लिप नहीं है तो कोई नई रिकॉर्ड कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लास्ट पोजीशन पर जाएंगे, और यहाँ पे एक प्लस का डॉट देंगे और वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे फेस के साइड पर, मतलब जहाँ पर हमारा फेस है वहाँ पर थोड़ा जूम कर लेंगे, तो क्या होगा वीडियो थोड़ा सा जूम होते रहेगा तो वीडियो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। तो वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, कुछ ऐसा वीडियो जूम हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, बस वीडियो मतलब अच्छा लगता है ऐसा करने से, हो गया इतना काम खलास। अब हमको इस पॉइंट पर आ जाना है जहाँ से ये अंधेरा होता है और उस बंदे का वीडियो आ जाता है, तो यहाँ से अंधेरा होने वाला है, ये पॉइंट पे हम आ चुके हैं। अब यही पॉइंट पर आने के बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको चलना है, यह पॉइंट पे आने के बाद कैंची वाले ऑप्शन पर चलना है, इस पोजीशन पर आने के बाद कैंची वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमको क्या करना है, इसको कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, इतना राइट का पार्ट हमको कट कर देना है। अब यहाँ पर राइट का पार्ट तो कट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, यही पोजिशन से हम क्लिक करेंगे मीडिया वाले ऑप्शन पर, और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो ऐड कर लेना है जो कि मैंने एडिट यार। ये वीडियो आप कैसे एडिट करना है, मैंने पहले ही एक वीडियो में मतलब बताया था कि आप ये वाला वीडियो कैसे एडिट करोगे, तो उसी में से देख के आप एडिट कर लेना, जो कि कोई और वीडियो है मैंने इसे एडिट कर दिया। तो यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन में आके हम इसको फेड कर देंगे, हो गया। अब इसका जो टाइमिंग है हम रख देंगे 0.5 के आसपास रख देंगे, हो गया बात ख़त्म, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी ये वीडियो हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ ऐसा बन चुका है हमारा वीडियो। अब ये लास्ट वाला क्लिप मैंने कैसे एडिट करा है, तो यहाँ पे मैंने एक दो वीडियो पहले जाके देखो मेरे चैनल पे, तो मैंने बताया है, मतलब ये किसी मतलब एक ट्यूटोरियल था, आप देख सकते हो वो ट्यूटोरियल जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि मतलब ये कुछ अलग ही वीडियो का ट्यूटोरियल है, वैसे आप ऐसा एडिट कर लेना वो देख के जो लास्ट वाला मैंने क्लिप यहाँ पर मतलब बनाया है एडिट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले क्लिप को यहाँ तक कट कर लेंगे जहाँ तक हमारा म्यूजिक है, तो कैंची वाले ऑप्शन पर चलते हैं, और कैंची वाले ऑप्शन पर चलने के बाद इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देते हैं, बस हो गया कट। अभी हमारा वीडियो बनके कंप्लीट हो चुका है, बस इसको सेव करना है, टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। इसका जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वही ओरिजिनल म्यूजिक यूज करके टिकटॉक पर अपलोड करो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।